देखो यार, अगर आपको व्लॉग बनाना है ना, तो इसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मूड होना चाहिए, और सेकंड थिंग इज़ जो फर्स्ट थिंग थी, मूड होना चाहिए। तो भैया, जैसे कि आई एम ऑल्सो ऑन वेकेशंस, और आज मैं आया हूँ जमजमा पार्क। यहाँ आने के दो रीज़न्स हैं, लेकिन वो मैं बताऊँगा इसके बाद। पहले शुरू करते हैं थोड़ा पीछे से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 28 दिसंबर 2021। गले से लगाना, मिलते हैं जिंदगी से, सुनते हैं कुछ हंसी से, जो हमसे राबता था वो कम हो गया। निकले हैं दिन निकलते, निकले हैं शाम ढलते, मंजिल का आधा रास्ता भी कम हो गया। सारे रास्ते रास्ते यूं ही हम चलेंगे, चले पीछे पड़ा लो, देखो कहां मैं खड़ा, आसमां भी है नीचे पड़ा। बहुत तेज अब मैं चला हूं, मेरे ख्वाब पीछे पड़ा लो, देखो कहां शहर से उठे हैं आंखें मलते, हमको अपने ना होने का गम हो गया। निकले हैं दिन निकलते, निकले हैं शाम ढलते, मंजिल का आधा रास्ता भी कम हो गया। सारे रास्ते रास्ते यूं ही हम चलेंगे, चले हंसते हंसते ओ, सारे रास्ते रास्ते यूं ही हम चलेंगे, चले लेने चलो। है उतरी हवा में। वेल, दिस इज ऑल व्हाट आई जस्ट हैव। और पेरिस रेता यहाँ पर, इसमें बहुत एक्टिविटीज हुई थी। ये तो सिर्फ मैंने वो दिखाया जो मैं कैप्चर कर सका, इसके अलावा बहुत एक्टिविटीज हुई थी। चाइनीज शो था, जिमनास्टिक शो था, टेंट पैकिंग थी, एग्जीबिशन था जिसके अंदर डिफरेंट क्लब्स बने हुए थे। हर क्लब का कोई ना कोई अपना सीन था। तो मैंने तो ये सब पहले से देखा हुआ था, लेकिन क्योंकि सर्दी इस दफ़ा बहुत ही पेरेंट्स डे वाले दिन, ना मेरे पेरेंट्स का आगे इतना दिल था घूमने का, ना मैं उन्हें लेकर के इतना आगे, और इतनी सर्दी, बिलीव मी, मैंने सिंध में पहले इतनी सर्दी नहीं देखी। बट जाहिर है मेरा खुद का भी पहला पेरेंट्स डे था, और पेरेंट्स डे पर स्पेशली जिनका पहला पेरेंट्स होता है जैसे मेरा, तो यही होता है, पेरेंट्स आते हैं, पूरा हाउस वगैरह देखते हैं। मैंने अपने हाउस पर अपने पेरेंट्स को अचीवमेंट दिखाई, अपनी अपना हाउस दिखाया। दिस इज़ वॉट आई हैव कैप्चर्ड, दिस इज़ वॉट आई हैव शोड, एंड दिस इज़ बट आई होप यू लाइक इट। और इंशाल्लाह अगला पेरेंट्स डे ज़्यादा अच्छा होगा, और उससे अगला उससे अच्छा होगा, उसी तरह अच्छा अच्छा होता जाएगा। फिलहाल ये मुर्गा अजान दे रहा है, रात का टाइम है ना, आगे चलते।
जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आने के दो रीज़न्स हैं, जिसमें से पहला रीज़न तो ये कि यार मैं रोज़ फुटबॉल ग्राउंड जाता हूँ, वहाँ पर फंक्शन चल रहा है तो वो ग्राउंड बंद किया हुआ है, इसलिए मैं रोज़ मिस्टर पार्क जा रहा हूँ रनिंग करने, क्योंकि मैं जाता हूँ असर के बाद। असर के बाद वहाँ पर कोई इतना खेलता वेलता है नहीं, क्रिकेट चल रहा होता है और मैं तो फुटबॉल का ज़्यादा शौकीन हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ रनिंग करता हूँ। इसी तरह आज संडे था, आज संडे है, संडे के दिन मुझे यहाँ पे आना था दो काम से, पहला तो रनिंग करने और दूसरा रीज़न ये कि मुझे यहाँ पर बुकिंग कराने आना था। यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा सीन बनाया हुआ है, फुटबॉल क्रिकेट और टेबल टेनिस और बैडमिंटन, ये सब का इन्होंने बड़ा प्यारा बनाया हुआ है, और मैं आया था फुटबॉल के लिए। फुटबॉल टूर्नामेंट एक अरेंज करना है, दोस्त यारों ने कहा है कि अच्छी सी भी लोकेशन देखो। मुझे पता चला है धमधमा पार्क में यहाँ बड़ा अच्छा इन लोगों ने सीन बनाया हुआ है। फुटबॉल का सीन ये है कि 6000 पर टीम लेते हैं ये लोग, और एक घंटे के लिए जितना खेलना है खेलो। तो मैं यहाँ बुकिंग कराने आया था फुटबॉल के ग्राउंड के लिए, और हमने मैच रखा है, वो मैं किसी और दिन कहानी बताऊँगा, किसी और दिन उसका ब्लॉग बना के अपलोड करूँगा। बट ये दो रीजन्स थे, और अभी मैं रनिंग करके आया, अभी मैं कुछ खाने जाऊँगा, बड़ी भूख लगी। Thank you.